माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। उत्थान समिति और भारत विकास परिषद के सभी कार्यकर्ताओं को, यहाँ उपस्थित सभी लोगों को हृदय से नमन करता हूँ। और जिस प्रकार का मौसम है उसको देखते हुए मैं यहाँ उपस्थित लोगों को कहूँगा कि एक विशाल जन समुदाय है, क्योंकि ऐसे में बहुत सारे लोग बिस्तर में बैठे होंगे, बहुत सारे भैया लोग दीदी लोगों को पकौड़ी बनाने का आदेश जारी कर चुके होंगे, चाय की चुस्कियों के साथ बच्चे मोबाइल पर अब भी उंगलियां सीधी कर रहे होंगे। ऐसे में अब सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, ये बड़ी बात है। श्री सत्येंद्र जी के लिए, जो बहुत सरल व्यक्तित्व हैं और बहुत कर्मठ व्यक्तित्व हैं, उनके लिए, उनकी पूरी टीम के लिए और यहाँ सभागार में उपस्थित सभी लोगों के लिए, चूँकि यहाँ दो दो प्रेरणाएं हैं, श्री राज कौशिक जी और आदरणीय सुहासिनी जी, तो अपनी बात एक शेर से कहूँगा। उन्हें जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, उन्हें जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, हमें भी जिद है वही आशिया बनाने की। तो आज की ये सभा ऐसे ही जुझारू और जिद्दी लोगों से भरी हुई है और हर उम्र के लोग यहाँ पर हैं, ये बड़ी बात है। मन संचालन जिस कोट का है उसकी उम्मीदों पे खरा उतरना मेरे जैसे व्यक्तित्व के बात बस की बात है नहीं। आप ये शब्द आपका विषय में डूब जाना, अब मैं कहूँगा कि इधर पूरा संच हो, इधर मंच हो, उस पर अकेले डॉक्टर अल्पना जी हो तो बहुत है। अनेक जान पहचान के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, श्री वी के अग्रवाल जी, श्री वी के शर्मा जी, हमारे अग्रज अति प्रिय श्री हितकारी जी, बहुत उच्च कोटि के विद्वान श्री राज कौशिक जी, श्री राघव जी, जिन्हें मैं अक्सर बच्चों से पूछता हूँ तो कहता हूँ सजीले राघव जी। वो हमेशा आपको बड़े सजीले तरीके से वह देख के भी आह्लाद उत्पन्न हो जाता है। श्री विनीत गोयल जी, बबीता जी और बहुत स्नेही, बहुत बड़े हमारे अग्रज श्री सिरोही जी और सभा में उपस्थित सभी लोग, इंजीनियर सिंह साहब, मैं गांधी जी पर कुछ कहने के लिए बुलाया गया हूँ। और आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, ये एक ख़तरनाक विषय है और ये मैं दुखी हृदय से कह रहा हूँ। सोशल मीडिया की एक बड़ी भारी समस्या ये है कि यहाँ पर जो जितना कम अध्ययन करता है और जो जितनी हिंसक भाषा लिख सकता है वह उतनी प्रसिद्धि पा जाता है। और इसीलिए ना भारत का इतिहास समझ में आता है, ना भूगोल समझ में आता है, ना भारत का पर्यावरण समझ में आता है। और हम लोगों ने अपने अपने लोग चुन लिए हैं,
नेताओं में भी, क्रांतिवीरों में भी, और उन्हीं की प्रशंसा और मान मर्दन में ही लगे रहते हैं। गंभीरता से विश्लेषण किए बिना हम एक लाइन ऑफ एक्शन डिसाइड कर लेते हैं और उसी की कसौटी पर किसी को भी कसने लगते हैं। यहां उपस्थित सभी लोगों से, विशेषकर युवजनों से मैं कहना चाहूंगा कि इतिहास को पढ़ना और समझना इतना आसान नहीं है कि आपको किसी ने एक लाइन कह दी और आप समझ जाए। बड़ा गंभीर चिंतन चाहिए, बड़ा गंभीर विवेचना उसकी चाहिए। किसी भी दार्शनिक को समझने के लिए उस काल, देश और परिस्थितियों में जानना आवश्यक है। आप आज के काल, देश, परिस्थितियों से आप किसी आज से 50 साल, 100 साल, 200 साल पुराने दार्शनिक को नहीं समझ सकते, क्योंकि हर व्यक्ति, हम और आप भी अपनी परिस्थितियों के अनुसार कार्य करते हैं, किसी अन्य की आयातित परिस्थितियों के अनुसार कार्य नहीं करते। गांधी जी ने भी इसे सहा, तब कम सहा, आज ज्यादा सहना पड़ रहा है। गांधी जी की जो प्रासंगिकता है, यद्यपि मैं बिल्कुल प्रारंभ में यह कहना चाहूंगा कि कोई भी एक व्यक्ति इस देश की आजादी का स्तंभ नहीं था, अनेक स्तंभ थे। जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो सरदार भगत सिंह को नहीं भूल सकते, जब हम गांधी जी की बात करते हैं तो बाबू सुभाष चंद्र बोस जी को नहीं भूल सकते, हम किसी को नहीं भूल सकते। यदि हम आजादी की बात करते हैं, इन तीन शब्दों में सभी समाहित हैं, सभी सम्मिलित हैं, सभी के बलिदान हैं, ना केवल कुछ नेताओं के, बल्कि लगभग 11 से 12 लाख उन लोगों के भी बलिदान इसमें शामिल हैं, जिन लोगों ने समय समय पर अपने घर, परिवार, नौकरी, यहां तक कि जान की बाजी लगा दी। जब हम आजादी शब्द कहते हैं तो यह बहुत बड़ा शब्द है, किसी एक व्यक्ति की बदौलत यह शब्द नहीं मिला, अनेक लोगों की बदौलत यह शब्द मिला है। लेकिन हर व्यक्ति के कुछ एक दिन है विशेष, जब हम उनको याद करके उनकी बात करते हैं, जैसे आज गांधी जी का दिन। स्वच्छता से प्रारंभ करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज कहना यह चाहूंगा कि मैं आज दो गांधियों की बात करूंगा, दो गांधी। एक वो गांधी जो दार्शनिक गांधी है, और एक वो गांधी जो क्रांतिवीर गांधी है। हमें यह गलती नहीं करनी चाहिए कि क्रांतिवीर गांधी को दार्शनिक गांधी के साथ जोड़ दें और तोड़ दें, मरोड़ दें। दोनों की सोच अलग है, दोनों का चिंतन अलग है। और युवा पीढ़ी को मैं एक पुस्तक दिखाना चाहूंगा, हिंद स्वराज, इंडियन होम रूल। इसमें बहुत सुंदर संवाद है गांधी जी का स्वयं से, दो अलग अलग नाम उन्होंने रखे हैं लेकिन संवाद है वो, और उस संवाद को पढ़े बिना दार्शनिक गांधी समझ में नहीं आएंगे। उस संवाद को पढ़े और समझे बिना गांधी जी की भारत को लेकर क्या परिकल्पना थी, क्या प्रतिशत थी, ये समझ में नहीं आएगी। गांधी जी हो सकता है आपके प्रिय व्यक्तित्व ना हो, लेकिन गांधी जी हल्के व्यक्तित्व नहीं थे। गांधी जी के बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो, जिसका एक का जिक्र डॉक्टर सुहासिनी जी ने भी किया, जॉर्ज पंचम के सामने जब गांधी जी जाते हैं, गांधी जी के नाम की उद्घोषणा वहां होती है, सब लोग वहां बैठे हैं, दाजे बाजे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि राजा के अतिथि है कोई छोटी बात नहीं है। और जॉर्ज पंचम के पास जब वो जा रहे होते हैं तो अचानक उन्हें देखकर सब चौंक जाते हैं, क्योंकि वही लंगोट, लाइन क्लोथ और एक ऊपर से दुशाला ओढ़कर जॉर्ज पंचम के पास जाते हैं, जबकि जॉर्ज पंचम के पास जाने से पहले पूरी कवायद होती थी कपड़ों की। वो वैसे ही वहां पहुंच जाते हैं, और ना केवल पहुंच जाते हैं बल्कि ये भी कहते हैं कि आपने तो महानुभाव, हम दो आदमियों के बराबर कपड़े पहने हुए हैं। जॉर्ज पंचम से कहना,
ये कोई सरल बात नहीं है, गर्व चाहिए। आज आप अपने अग्रज से कह के देखिए ये बात, मजाक में कह जाए तो अलग बात है, लेकिन अगर उसके और आपके पद में बहुत फर्क है आप नहीं कह सकते। एक और छोटा सा किस्सा सुनाता हूं कि एक बार एक व्यक्ति उनके पास आए, उनकी बहुत बड़ी सी पगड़ी थी और वह गांधी जी को वस्त्र देना चाहते थे, तो गांधी जी हंस के उनसे कहते हैं कि 5 आदमियों के वस्त्र तो अकेले आपने अपने सर पे रखे हुए हैं।